अच्छा तो अभी हम इस वक्त खेमजू शहर में हैं, जहाँ पर हम चेरी ब्लॉसम जो फेस्टिवल है उसके साथ ही है। ये फ़खर भाई हमें बताएंगे कि ये जो बिल्डिंग है पीछे ये वाली, ये ट्रेडिशनल, ये क्या है? ये जो बिल्डिंग है ना, ये जो आज आप समझ लें कि हमारा जो पार्लियामेंट है ना, हाँ, ये उस वक्त का जो पार्लियामेंट है अभी हम जो भी चीज़ है इसके अंदर जाकर अभी हम आपको बताएंगे, और जो फोटो में बता रहे हैं ये डिटेल से वहां जाकर बताएंगे आपको। चले चलते हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। अभी इस वक्त हम हैं ख्योंजू शहर में, जो कि साउथ कोरिया के एक रवायती पुराना शहर है, जो जिसे हमने पार्लियामेंट समझा था, जो कि असल में क्रॉसओवर है। उसके ऊपर हम जाएंगे और ये देखें, मतलब एक सीधे एकदम से ऊपर की तरफ है, मुश्किल होगी चढ़ने में, लेकिन चेक करते हैं। वाह, कमाल का सीन है, आपको दिखाता हूँ पिछला कैमरा करके। ये एक क्रॉसओवर है, क्रॉसओवर, और ये देखें, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है पूरी, विच वाज 01 कैपिटल ऑफ सिला। क्योंकि शहर असल में कैपिटल था जो उस वक्त जो रियासत थी उसका। क्योंकि शहर अपने रवायती विलेज, रवायती इमारतें, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पुराने बादशाह जो जहां रहा करते थे उससे ये मशहूर है, उससे इसको जाना जाता है। ख्योंजू शहर जिसमें बादशाह रहता था, जहां पर बादशाह का टेंपल भी है, उसका घर भी है, और उस हिसाब से जहां पर इमारतें भी बनाई गई हैं। अभी इस वक्त मैं एक क्रॉस ओवर पर हूँ जो छोटी सी नदी पर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, और ये क्रॉस ओवर ऐसे बनाया गया जैसे रवायती अंदाज होता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये इस वक्त नक्शा उसका, ख्योंजू शहर का, और कुछ चीज़ें इधर पड़ी हुई हैं, अब हमें कंफर्म नहीं पता ये चीज़ें क्या है। उस साइड पर भी एक लकड़ी के दो टुकड़े पड़े हुए हैं, तो ये क्रॉसओवर के ऊपर है, लाइक छोटा सा म्यूजियम भी है और एक रवायती क्रॉसओवर बनाया गया। और इसके अब ये हम आपको नीचे जाकर बताएंगे कि क्रॉसओवर को कैसे उन्होंने एक रवायती अंदाज में बनाया। चलते हैं, अगर कैमरा मैन मेरे साथ चलेगा तो। क्रॉसओवर के ऊपर है, मतलब सेकंड फ्लोर पर, आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ कैसे बनाई गई हैं, एकदम सीधी नीचे, तो एहतियात से निकलना पड़ेगा। कैसे नदी के ऊपर ख्योंजू शहर में कोरिया वालों ने एक रवायती अंदाज में क्रॉसओवर बनाया, और क्रॉसओवर की इस साइड पर भी, उस साइड पर भी, इसके ऊपर छोटा सा म्यूजियम बनाया गया जहाँ पर दो चार चीज़ें जो पुरानी ओवर की गई है, जहाँ पर कितने लोग यहाँ पर आते हैं, रोजाना पिक्चर बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, और इस ट्रेडिशनल क्रॉसओवर पर अपना वक्त स्पेंड करते हैं। तो उस क्रॉसओवर का फ्रंट इस तरह से दिखाई देता है, और इसके ऊपर आई थिंक जैपनीज लैंग्वेज लिखी हुई है उसके ऊपर, अगर आपको नज़र आ रही होगी, और इसके दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह इसका फ्रंट बनाया गया। और इसके साथ अगर कैमरा मैन दिखाए, इस साइड पर एक ट्रेडिशनल कोरियन विलेज भी है, जहाँ पर रेस्टोरेंट, मार्ट, सब चीज़ें एक रवायती तरीके से बनाई गई हैं। रवायती क्रॉसओवर के बिल्कुल अपोजिट साइड पर चेरी ब्लॉसम का एक प्यारा सा फेस्टिवल है, और इस साइड पर ये रवायती क्रॉसओवर है, इधर नदी है, और आप देख सकते हैं, अगर कैमरा मैन दिखाया आपको, ये रवायती विलेज,